ओम, मैं आपका दोस्त बिनय एज ए गवर्नमेंट सर्टिफाइड जॉब टीचर। और देखिए, मेरा कमेंट सेक्शन में बहुत चीज़ जो आ रहा है वो है, आपका बहुत आदमी बोल रहा है जे मेरा माइंड बहुत चंचल है, उसको शांत कैसे करेंगे। तो उसको शांत करने के लिए मेरे को जो बहुत बढ़िया जो टेक्निक जो पता चला, जे आप फैमिली में हैं, कुछ काम कर रहा है संडे का दिन, नहीं तो शनिवार को जो टाइम मिल रहा है उस दिन आप फैमिली लेके बाहर निकल चलिए। बाहर मतलब आसपास में कोई भी एक तो जाएगा, जो गार्डन हो गया। मैं इस वक्त एक टाटा का एक गार्डन में हूँ, देखिए आसपास में आपको दिखाई दे रहा है फ्लावर का कितना बढ़िया गार्डन है। उसको आसपास में जाइए और उसको टच कीजिए, उसको धीरे से टच कीजिए और उसको फील कीजिए। जे आपको पेड़ पौधा से टच करने से, देखिए उन लोग को टच करने से कितना बढ़िया आपका फीलिंग्स आएगा और वो चीज़ आपको पता चलेगा। और धीरे धीरे देखिएगा, जैसे आप उसको टच करेंगे तो उस नेचर के साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे। और धीरे धीरे जितना आप नेचर के साथ कनेक्ट होना शुरू करेंगे तो देखिएगा आपका मन कितना शांत हो जाएगा। तो आपको जो चीज़ करना है वीकली वन नहीं तो टू डेज, पूरा फैमिली लेके आप निकल चलिए। आसपास में जो गार्डन है, नहीं तो जो पेड़ पौधा है, गार्डन नहीं है तो जंगल में जाइए, पेड़ पौधा के साथ टच कीजिए, उसको फीलिंग्स को समझने के लिए कोशिश कीजिए। देखिए पेड़ पौधा को आप मोड़ेंगे, तोड़ेंगे, टच करेंगे तो कुछ नहीं करता है, कुछ रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कोई कुछ बोलने से उसका तुरंत रिएक्ट करना शुरू कर देता हूँ। तो जो चीज़ आपको करना है उसको टच कीजिए, उसको फील कीजिए, उसका जो बिहेवियर है, उसका जो एक्टिविटी है, उसको खुद के ऊपर अपनाइए। तो देखिए आप नेचर के साथ धीरे धीरे कनेक्ट हो जाएंगे और देखिए आपका मन कितना शांत हो जाएगा, पीसफुल हो जाएगा। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ जो वीकली वन डेज आप आसपास में जाइए और फूल पेड़ पौधा के साथ कनेक्ट होइए, मन को शांत कीजिए। देखिए कितना मन शांत हो जाता है, मेरा भी ऐसे मन फ्लक्चुएट रहता है। मैं कॉर्पोरेट संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ तो मैं वो चीज़ करता हूँ, कोई भी गार्डन में चला जाता हूँ, पेड़ पौधा के साथ कनेक्ट हो जाता हूँ और मन बहुत शांत हो जाता है। ज़रूर आप इस चीज़ को कीजिए और ये करने के बाद आपको क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करेंगे और भी नया चीज़ बताने के लिए। तो तब तक डेली बेसिस में आप योगा प्राणायाम करते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और खुद स्वस्थ रहिए, दूसरे को स्वस्थ रखने के लिए प्रेरित कीजिए।